नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट। स्वागत है आप सब लोगों का इंग्लिश के इस क्लास में। मैं हूं सूरज और आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर। इतना कुछ शायद अभी तक ना मैंने भी नहीं दिया होगा अपनी किसी क्लास में, लेकिन अब इस क्लास के अंदर और अब से हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा इतना भरपूर कंटेंट, और जो कि जिसमें मतलब हर एक कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों के लिए नई हों। अच्छा, क्या नई डालना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान रखा जा रहा है आपके एग्ज़ाम्स का। तो ऐसा नहीं है सिर्फ नई के चक्कर में हम एग्ज़ाम वाले पॉइंट को भूल जाएँ। तो जितनी भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है और नहीं है, वो सारे कंटेंट आपके लिए डाला जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और हम सीख रहे हैं नाउन। अब समझो, नाउन के अंदर जो चीज़ हमारा चल रहा है वो चल रहा है नाउन से बनने वाला कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर नाउन बन जाता है तो उसके लिए वर्ब कैसे आए, और ये बात कैसे पता चलती है, हमें पता चलती है कि नाउन अपने आप में कैसा है, या सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर हुआ तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और अगर इसी ये नाउन अपने आप में प्लूरल है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये कई सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, कई तरह की कैटेगरी हम सीख चुके हैं। हमने सीखा कुछ वर्ब ऐसी हैं जो हमेशा सिंगुलर, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, फिर उनकी भी हमने कुछ कैटेगरीज सीखी। लेकिन आज हमारे पास में खास तरह के शब्द नज़र आ रहे हैं। आज हम नाउन के अंदर जो चीज़ सीखने वाले हैं, एक तो सबसे खास बात, नए वर्ड्स आपके सामने होंगे, नए तरह के शब्द आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो हम आज सीखने वाले हैं, ऐसे नाउन, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, ये अपने किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में मतलब जैसा नज़र आ रहा है, हो सकता है इसमें एस हो सकता है नहीं हो, अगर है तो हमेशा रहेगा, नहीं है तो कभी नहीं लगाने की ज़रूरत। लेकिन खास बात इनमें ये है कि ये चाहे तो आप इन्हें सिंगुलर यूज़ कर लो और चाहे इन्हें प्लूरल यूज़ कर लो, मतलब ये हुआ कि इनका सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ एक जैसा है। अगर आपको सिंगुलर यूज़ करना है तो इनके रूप में किसी तरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं, प्लूरल यूज़ करना है तो भी ये एज इट इज़ रहेंगे। समझने की हम कोशिश करते हैं एक छोटे से शब्द से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक शब्द लिखूँ, शीप। ठीक है, ये कुछ बच्चों को पता होगा, ये कैटेगरी उनके लिए नई नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, तो ये कैटेगरी उनके लिए नई नहीं है, लेकिन जो नया होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नए होंगे इसमें वो सारे शब्द जो इन दिनों में एग्जाम्स में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो नए नए शब्द इस कैटेगरी के अंदर जुड़ रहे हैं, जिनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुँचाने का काम है मेरा। ठीक है, तो एक समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी जो मैंने बात कही, वो मैंने कहा कुछ नाउन ऐसे होते हैं, चाहे आप इन्हें सिंगुलर यूज़ करो चाहे प्लूरल यूज़ करो, इनका रूप नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ आई सॉ अ शीप, तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे इतनी सी बात बताओ, हम जानते हैं आर्टिकल ए किसके साथ यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के साथ, तो यानी कि यहाँ पर ये शीप कैसी हुई, सिंगुलर। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूँ शीप, अ शीप इज ग्रेजिंग, तो ये चीज़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये शीप कैसा है, सिंगुलर, इसके साथ क्या यूज़ किया आपने, सिंगुलर वर्ब। वहीं पर अगर मुझे कहना हो शीप आर ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होगा दोस्तों, क्या ये सेंटेंस ठीक होगा, ये भी बिल्कुल ठीक होगा, ये प्लूरल हो गया। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, प्लूरल, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर। क्या आपके इस नाउन में किसी तरह का चेंज आया है, क्या किसी तरह का चेंज आया है? मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे नए शब्द आप सीखोगे, और नए शब्दों के साथ साथ एक नई कैटेगरीज को आप और एक्सप्लोर करने वाले हो। सो जस्ट गेट रेडी, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज वीडियो के लास्ट के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर, और वो कंसेप्ट हमारे इस टॉपिक के साथ साथ आने वाले कुछ टॉपिक में भी मदद करेगा, इसीलिए वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, और जैसा कि मैंने आपके सामने टाइटल डाला हुआ है,
कि हम कुछ ऐसे नाउन सीखने वाले हैं जो हमेशा कैसे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए इसके अंदर हमें एक्चुअल में कुछ कैटेगरीज में इसे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक कैटेगरी बनाते हैं इसकी, और वो कैटेगरी हुई एनिमल फॉर फूड पर्पस। ये तो आप हमेशा से ही जानते हैं, है ना, ये तो आप हमेशा से ही जानते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनको पाला जाता है किस लिए, ताकि वो खाने के काम में आ सकें। फूड पर्पस के लिए कुछ सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ को पाला जाता है, कुछ को डायरेक्ट लाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लाया जाता है मतलब जैसे कि अगर वो जंगल में है, पानी में, जैसे कि पानी के भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको खाया जाता है, कई तरह की मछलियां हैं, कई तरह के केकड़े वकड़े हैं, नहीं तो इसकी वजह से तो खैर अब बार बार व्हाट टू टॉक अबाउट लाइक दैट, राइट, सो लीव दैट। हम उससे बात कर सकते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे कई सारे जानवर हैं जिन्हें फूड के लिए, खाने के पर्पज से तैयार किया जाता है या फिर पाला जाता है। ठीक है, अब समझते हैं, अगर मैं बात करूं इस एनिमल फॉर फूड पर्पस, इसको हम दो कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। दो कैटेगरी में डालने का मतलब हुआ हमने सबसे पहले समझना है इसको, एक वो जानवर जो कि क्या है, एक्वेटिक हैं। दोस्तों कौन से हैं जानवर, बोल के बताओ एक बार, एक्वेटिक, कौन से, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब हुआ कौ क्या, जलीय जंतु, करेक्ट। तो कुछ पानी के जानवर हैं, कुछ पानी के जानवर हैं। देखो ये शब्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, जलीय, जलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल हो जाएगा अगर आगे लिखोगे तो आप, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स अगर आप करते हो तो पानी वाले पौधे, पानी वाले पौधे यानी कि जो समुद्र के अंदर होते हैं, ऐसे तो ऐसे कई सारे हैं। अब जलीय जंतुओं के अंदर जैसे कि सबसे पहले मैं अगर लिखूं कोड, तो ये क्या है, एक तरह की फिश है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ फिश के ही नाम लिख लेते हैं। मैं सीधा फिश लिखूं तो ये भी अपने आप में ऐसा शब्द है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक जैसा रहेगा। इसमें किसी तरह की चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। यानी कि अगर मैं कहूं आई सॉ अ फिश इन द पोंड, सेंटेंस इज करेक्ट। और अगर मैं कहूं देयर आर मैनी फिश इन द पोंड, तो भी सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, खैर इसके ऊपर हम एक छोटी सी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक और अलग से सेपरेट रूल निकलता है, वो मैं समझाऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जवाब भी आ रहा हो। अब देखो फिश की कुछ कैटेगरी हैं, जैसे कि एक है कोड। तो अगर इस कोड की मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ी, एक बड़ी साइज, बिग साइज फिश होती है, बिग साइज फिश होती है। अब एग्जाम आपको क्या कर रहा है, फिश का नाम ना देकर उनकी स्पीसीज का जिक्र कर रहा है, स्पीसीज का नाम दे देता है। अब जिस स्पीसीज का बच्चे को नाम नहीं पता, वो उसका मतलब कैसे निकालेगा, कैसे पता लगेगा इस पे क्या रूल फॉलो होगा, क्या रूल फॉलो नहीं होगा। तो कोड अपने आप में क्या है, एक बड़ी साइज की एक मछली है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी आपने देखा होगा एक और आती है पाइक, पाइक नाम की एक और फिश आती है, नहीं देखा होगा या फिर बुक्स में नाम देखा होगा भाई। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, लाइक इंसान के जितनी लंबी होती है, एक तरह से 5 से 6 फिट के आराम से बड़ी साइज की होती है, और इतनी बड़ी साइज के अंदर इसे पकड़ा जाता है। सबसे ज़्यादा खाने के अंदर, फूड के अंदर इनको काम में लिया जाता है। ये लाइक क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है साइज में। ये मैं बड़ी साइज की बात कर रहा हूँ, यानी कि आकार में बड़ी, गोल और यानी कि चौड़ी भी है, लंबी भी है, लेकिन ये पतली होती है लेकिन लंबी होती है। ठीक है, फिर अगर दूसरे और मैं बात करूं तो एक और फिश आती है जिसे हम कहते हैं सैल्मन। क्या कहते हैं दोस्तों, सैल्मन। अब सैल्मन किस तरह की फिश होती है, सैल्मन एक तरह मतलब इसकी जो साइज है एवरेज है, एवरेज साइज है, लाइक 3 से 4 फिट की या फिर 2.5-3 फिट की, और ये एक चमकीली फिश होती है। ठीक है, फिर एक फिश आती है आपके सामने ट्राउट। तो ये भी एक तरह की फिश है जो एकदम रेगुलर, रेगुलर फिश होने का मतलब जो जनरली मार्केट के अंदर 1-1.5 फिट की जो फिश मिलती है, ठीक है, उसी साइज़ की ब्लैक कलर के अंदर जो होती हैं, जो सबसे ज़्यादा जनरली लोग खाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, वाइट बेट। ये एक तरह की फिश आती है जो जापानी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, और ये किस तरह से, क्या कैसी होती है वाइट बेट। एक्चुअल में एक ये जो मार्कर आपको नज़र आ रहा है, इस साइज़ की होती है। इसको कोई काटने छिलने का झंझट वो लोग नहीं रखते, इसको बस पकड़ते हैं, पकड़कर सीधा वो फ्राई कर देते हैं एकदम एज इट इज़। ठीक है, तो ये भी एक तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं। आज की क्लास सब लोगों को नॉनवेज क्लास लग रही होगी, क्या करो दोस्तों, ज़रूरत है किसकी, आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने की।
होता क्या है, मैं ये इतने सारे की कैटेगरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम आपसे कैसे सवाल पूछता है। देखो, अभी हमने समझा कि फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने, देयर इज अ फिश। फिर मैंने लिखा, देयर आर मैनी फिशेज। ये आपको एग्जाम में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फिश का, फिशेज दिया जाता है। तो हमें यही करना है बस, फिश के साथ क्या नहीं लगाना, SEIS नहीं लगाना। अब बच्चे को फिश तो याद रह जाएगा, लेकिन ये कुछ नाम है ऐसे मछलियों के, अगर ये कभी, अभी मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आप मेरे साथ साथ जब इन्हें दोहराएंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे एक दो बार, तब क्या होगा, जैसे ही एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, तब ये शब्द याद आ जाएगा, ओके, कि ये भी इसी तरह की फिशेज की ही बात हो रही है। अब पहले तो एग्जाम आपको इस तरह से देता था, सीधा फिश लिखकर, लेकिन अब क्या कर रहा है एग्जाम, फिश ना लिखकर फिश की जो वैरायटी है, फिश की जो स्पीसीज हैं, सीधा उनका नाम दे रहा है। जैसे कि जॉन, इट्स नॉट जॉन, जॉन एंजॉयड, जॉन एंजॉयड सेल्मन्स इन लंच। क्या लिख दिया? जॉन एंजॉयड सेल्मन्स इन लंच। तो जॉन ने लंच में किसको एंजॉय करा? सेल्मन्स को। अब अभी अभी आपने सीखा सेल्मन अपने आप में क्या है, एक ऐसी मछली है जिसे फूड के लिए काम में लिया जाता है, तो इसके साथ आपको SEIS नहीं लगाना। किसी भी तरह की मछली हो, ठीक है, किसी के भी साथ आपको SEIS नहीं लगाना है। बस याद रखें, फूड के वक्त जब बात किसकी हो रही है, फूड की, ठीक है। वैसे अगर हमने इस पे स्टार लगाया है, उसकी भी वजह यही है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि फिश, अगर मैं कहूँ, अगर मैं सेंटेंस कहूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशेज, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप मछलियों की टाइप की बात कर रहे हो, तो यकीनन आप मछली के खाने की बात नहीं कर रहे हो। अब वो फूड नहीं है आपके लिए, अब वो क्या है, मछली। यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है मछलियों की प्रजाति के बारे में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिश इन द पोंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब आपको सेंटेंस के हिसाब से ये समझ में आए कि आप सेंटेंस में यूज़ किया गया है फिश या फिश के किसी भी नाम को किस तरह से, एक फूड आइटम की तरह से, तो वहाँ पर आप उसे हमेशा सिंगुलर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी कुछ फिशेस। अब हम एक्वेटिक अगर सीख रहे हैं, तो एक्वेटिक के अंदर से फिश तो है नहीं, एक और नाम है जो एग्ज़ाम के अंदर आ रहा है, लेकिन ये फिश नहीं, ये एक तरह का एक लाइक कीड़ा होता है, कीड़ा, आई मीन लाइक केकड़ा आप इसे कह सकते हो, एंड दैट इज श्रिम्प। तो चाइनीज लोग बड़े एंजॉय करते हैं इसे, श्रिम्प, ठीक है, एक तरह का केकड़े जैसा होता है, आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे अगर इफ़ यू वांट सो। तो ये भी एक तरह का ऐसा शब्द है जो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर यूज़ होगा हमेशा, मतलब इसी तरह से यूज़ होगा, वेदर यू वांट टू यूज़ इट सिंगुलर, वेदर यू वांट टू यूज़ इट प्लूरली, लेकिन इनमें चेंज नहीं करना है, इनकी दोनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक कैटेगरी आपके सामने हुई क्लियर एक्वेटिक एनिमल की। अब एक्वेटिक एनिमल के अलावा क्या कोई दूसरे एनिमल भी हैं जिनकी कैटेगरी अलग होती है? भाई अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था, शीप, भेड़, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या वो एक्वेटिक है? नहीं, वो तो एक लाइक आप वाइल्ड एनिमल रख सकते हो, भाई ये पानी के हुए तो ये जंगल के हुए वाइल्ड एनिमल। तो कुछ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर भी होते हैं, ठीक है, जंगली जानवर भी होते हैं, नोट्स बनाते रहें। अब वाइल्ड एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जो हमेशा दोनों फॉर्म में एक जैसे होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो वो आपके सामने आते हैं, जैसे कि एक डियर, ठीक है, और अभी हमने लिखा था शीप, ठीक है, और फिर और इसके अलावा लाइक इसके अलावा कोई और, देर आर सो मैनी, लाइक वी कैन टॉक अबाउट लाइक स्वाइन, यस दिस कैन बी अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, एक अमेरिकन, नॉट अमेरिकन, हाँ USA साइड में ही, वहाँ पर आपको एक जंगली सांड होता है, ठीक है, भैंसे जैसा होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, बाइसन। क्या कहते हैं दोस्तों, बाइसन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर देयर एनी अदर एग्जांपल्स? ओके आई विल टेल यू, ठीक है। अभी तो आपको ये चार शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इन चारों शब्दों की अगर आप बात करते हो तो ये क्या हुए आपके, वाइल्ड एनिमल, कुछ जंगली जानवर हैं जो हमेशा चाहे सिंगुलर रखो चाहे प्लूरल रखो एक ही जैसे रहेंगे। अगर मैं कहूँ जैसे कि थोड़ी इसका एग्जांपल हम ले चुके हैं, शीप इज ग्रेजिंग, शीप आर ग्रेजिंग, दोनों के दोनों ठीक है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक और शब्द है आप लोगों के लिए, दैट इज मूज। कौन सा शब्द है दोस्तों, मूज। अब ये मूज क्या होता है, मूज एक तरह का हिरण ही होता है, एक तरह का हिरण है, हिरण की एक प्रजाति है, ठीक है, जिसको खाया जाता है। फिलहाल ये एक तरह से लुप्त होने के, डिस्टिंक्ट होने को आ रही है। देखो लुप्त होना को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्शन, विविधता, तो डिस्टिंक्ट होने को आ रही है ये प्रजाति। अब इस मूज ये क्या होता है, एक तरह का हिरण होता है, और इसकी जो साइज है वो हिरण की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें जो सबसे बड़ी प्रजाति, सबसे बड़ी साइज का जो हिरण होता है वो लाइक मूज का होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये चार पांच अच्छे शब्द आपके लिए मिले जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके सामने रहे कौन से, वो शब्द जिनकी ज़रूरत आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पड़ सकती है। अब ऐसा हो सकता है आपको एग्ज़ाम कैसे दिया जा सकता है, जैसे कि लाइक अगर मैं पहले शब्द का एग्जाम्पल लूँ आपके लिए, तो एग्जाम्पल डिस्टिंक्ट आप लिख लेना भाई। बाइसन की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम में आपको दिया जा सकता है, बाइसन्स आर फाइटिंग। लो जी बेसिक सा एग्जाम्पल है, छोटा सा है, सेंटेंस को बड़ा लंबा चौड़ा करके दिया जा सकता है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये शब्द दिखने में कैसा था, SAIS के साथ था, SAIS के साथ था, लेकिन उसके बावजूद सॉरी बिना SAIS के था तो सिंगुलर जैसा लगता था, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए भी इसमें SAIS जोड़ने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम आपको इसी के साथ SAIS ऐड करके दे देता है और प्लूरल यूज़ कर लेता है। ये प्लूरल तो ठीक है लेकिन इसके साथ SAIS यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये बाइसन आर फाइटिंग ये भी ठीक है, और अगर मैं लिखूँ बाइसन इज डेंजरस तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। बाइसन आर फाइटिंग, बाइसन इज डेंजरस, ये एकदम लाइक गर्दन के ऊपर इसके शेर की तरह से बड़े बाल होते हैं, आगे के पैर इसके पीछे के पैरों से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं जिससे ये आगे से उठा हुआ लाइक आगे से इसकी हाइट ज़्यादा होती है। एंड इट्स अ वेरी गुड फाइटर एनिमल, एक्चुअली बहुत लड़ाकू जानवर है, ठीक है। तो ये इनके बारे में। अब हमने एक कैटेगरी सीखी, वो कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरी कौन सी है, एनिमल फॉर फूड पर्पस। अब इसमें दोनों के दोनों आ गए, एक्वाटिक और वाइल्ड एनिमल, इनको भी खाने के लिए लोगों ने, इंसानों ने खाया है, इनको भी काम में लिया जाता है, ठीक है, आप जानते हैं इन सबको। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी हम समझते हैं एक बार, वेयर इज द डस्टर यार, डस्टर क्या है, ये मैं मिटा रहा हूँ। एक कैटेगरी आपकी होगी एनिमल फॉर फूड पर्पस, एक और फिश का नाम याद आया, दैट इज म्यूलेट। कौन सी है, म्यूलेट दोस्तों, म्यूलेट ये भी एक फिश का नाम है, ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में दिया जाए। म्यूलेट का म्यूलेट्स करके देते हैं, इसको सिंगुलरली प्लूरली दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चलो एनिमल और फूड पर्पस हुआ, कुछ सोशल शब्द हैं, सोशल शब्द यानी कि हमारे समाज से जुड़े हुए, हमारे समाज से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप अपने घर से निकलते हो, आप अपने घर से निकलते हो और आप किसी चौराहे पर पहुंचते हो, कहाँ पहुंचते हो दोस्तों, किसी चौराहे पर, क्रॉस रोड्स, ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है। चौराहा अगर एक है तो भी ये है, और ज़्यादा है, 1+2+3+ जितने भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी क्या होगा, क्रॉस रोड्स होगा। आप चौराहे पर जाते हैं, चौराहे पर जाने के बाद आपको एक इंसिग्निया नज़र आता है, क्या नज़र आता है दोस्तों, इंसिग्निया। इंसिग्निया का मतलब होता है एक तरह का सिंबल, क्या होता है दोस्तों, सिंबल। अब आप सिंबल का सिंबल्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसिग्निया का इंसिग्नियाज नहीं होता। इंसिग्निया ये नाम फेमस हुआ था कब, जब लाइक इंडियन क्रिकेटर
महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल ने, याद करो, लाइक बलिदान का इंसिग्निया, सेक्रीफाइस का इंसिग्निया वाला जो ग्लव्स पहना था, जिसके ऊपर काफ़ी लाइक वो वायरल हुआ था वो चीज़, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पर। तो इंसिग्निया मतलब एक प्रतीक चिन्ह किसी भी चीज़ का हो सकता है, इंसिग्निया ऑफ विक्ट्री, इंसिग्निया ऑफ सेक्रीफाइस, इंसिग्निया ऑफ लाइक प्राइड, किसी भी तरह का उसको। अब ये शब्द कैसा है, इसको आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इसको SIS नहीं लगाना, सिंगुलर यूज करना है सिंगुलर करो, प्लूरल यूज करना है प्लूरल यूज करो, वर्ड ये का ये रहेगा। अब कहने, अब देखो वापस अपनी कहानी पे आते हैं, आप अपने घर से निकले, क्रॉस रोड्स तक पहुँचे यानी कि चौराहे तक पहुँचे, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं, क्रॉस रोड बना ही देता हूँ, लो जी आप किसी क्रॉस रोड पर पहुँचे, ठीक है, आप जिस क्रॉस रोड से चौराहे पर आए, चौराहे पर आपको इंसिग्निया नज़र आया, और इंसिग्निया आपको बताता है आप किसी म्यूज़ के पास खड़े हैं, किसके पास खड़े हैं, म्यूज़ के पास। म्यूज़ का मतलब क्या होता है, देखो पुराने ज़माने में लाइक जो स्टेबल्स होते थे, क्या होते थे, स्टेबल्स। अब स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा भाई, इसका मतलब होता है अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। तो कुछ पुराने घर होते हैं जिनको जो अस्तबल होते हैं या फिर अस्तबल के जैसे ऐसे घर नज़र आते हैं, और कैसे कि एक कतार के अंदर सीधी पंक्ति में घर होते हैं, सीधी पंक्ति में कमरे बना दिए जाते हैं। हम घर आजकल कैसे देख रहे हैं, लाइक एक बाहर से कुछ अलग नज़र आता है, अंदर जाते हैं एक रूम लेफ्ट साइड में, एक राइट में, सामने बीच में बड़ा हॉल, इधर किचन। लेकिन पहले क्या होता था, एक लाइन के अंदर सीधे रूम होते थे, एक रूम ये है, दूसरा रूम उसी एक ही घर के एक ही मकान मालिक का, ये लगातार लाइन के अंदर ऐसे रूम होते थे। तो सड़क के किनारे पर जो ये घर होते हैं, इनको आजकल किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, कुछ को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, स्टेबल में, या फिर जो पहले स्टेबल थी, कुछ लोगों ने बिजनेस पर्पज से, अगर अच्छी टूरिज्म वाली जगह है तो इस स्टेबल्स को हटाकर यहाँ पर ऐसे के ऐसे इन्होंने कुछ रूम्स बना दिए, और रूम्स ये होटल्स की तरह से काम आते हैं। तो इन जगहों को क्या कहते हैं, म्यूज़। अब ये भी वो शब्द है जो हमेशा कैसा रहता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दिखने में ऐसा का ऐसा। अगर आप म्यूज़ इज़ कह रहे हो तो करेक्ट है, म्यूज़ आर कह रहे हो तो भी करेक्ट है, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखो, अब आप म्यूज़ तक पहुँचते हो, क्यों, अब आपको वो नज़र आया, क्यों गए हो आप वहाँ पर, क्योंकि किसी ने आपको मिलने के लिए बुलाया, और आपका जो मिलने का रेंडेव्यू था, क्या था, रेंडेव्यू क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसको एक बार लिख देता हूं यहां पर, रेंडेव्यू जो आपका मिलने का रेंडेव्यू था, रेंडेव्यू का मतलब होता है मीटिंग प्लेस, मिलने का स्थान, जो पहले से प्लानिंग के साथ डिसाइड किया जाता है, ठीक है, उसी को आप रेंडेव्यू कहते हैं, जैसे आप वेन्यू भी कहते हैं। वेन्यू के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी कार्ड देखते हो, शादी वाला कार्ड आता है, नो अब तो वो भी आने बंद हो गए तो कार्ड देखे हैं आपने अब तक, उसके अंदर लिखा होता है कि भाई वेन्यू यानी कि समारोह स्थल, किस जगह पर शादी होने वाली है, फिर किस जगह पर प्रीति भोज होने वाला है। तो उसी को आपने क्या कहा, रेंडेव्यू। ये क्या हो गया, जो भी फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं उनके लिए अगर कोई जगह होती है, उस जगह स्थान को ही आप क्या कहते हो, रेंडेव्यू। ये शब्द ऐसा कैसा रहेगा, चाहे आप इसके साथ एस जोड़ें चाहे आप इसके साथ एस ना जोड़ें, ठीक है, आप बड़ी जल्दी से उस रेंडेव्यू तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जिसने भी आपको मिलने के लिए बुलाया है बड़ा ख़तरनाक है, अगर आप थोड़ा भी लेट हुए तो आपको वो गैलोज पर बिठा देगा, गैलोज पर खड़ा कर देगा। अब गैलोज क्या होता है भाई, इसे कहते हैं फांसी का तख्ता, क्या कहते हैं, फांसी का तख्ता। अब इसके साथ हमेशा हमें इन सभी शब्दों के साथ क्या यूज़ करना है, जैसी मर्जी, चाहे तो आप इनके साथ SIS लगाएं, चाहे तो आप इन्हें प्लूरल रखें, चाहे आप इन्हें सिंगुलर रखें, इनको रखना इसी तरह से है, ना तो इनमें SIS जोड़ना है, अगर है तो ना ही इनमें SIS घटाने की ज़रूरत है, ये ऐसे के ऐसे काम करेंगे, इनमें किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत नहीं। और देखो कुछ और भी शब्द होते हैं, तो ये एक छोटी सी कहानी से हमने कुछ 5 शब्दों को जोड़ने की कोशिश करी। अब इन्हीं शब्दों के साथ इनका मतलब मैं मिटा रहा हूँ, शब्द आपके पास पड़े हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ और शब्द इसमें जोड़े जा सके। एक और शब्द आता है जो पहले बहुत फेवरेट हुआ करता था, खैर आपको बता देता हूँ,
इन दिनों में कम अपीयर हो रहा है ये शब्द, और होता भी है तो आप लोग जानते ही हैं इस शब्द को। एंड द वर्ड इज इनिंग्स। इनिंग्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इनिंग्स, इनिंग्स यानी कि पारी। क्रिकेट के अंदर आप इसको जनरली यूज करते हो, कोई भी पारी उसको आप इनिंग्स कहोगे। अगर एक इनिंग्स है तो भी आप इनिंग्स कहोगे, ज़्यादा है, दो हैं, चार हैं, तो भी आप क्या बोलोगे? इनिंग्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ एन इनिंग्स हैव बीन प्लेड, एक पारी खेल ली गई है, ठीक है सेंटेंस। अगर मैं कहूँ बोथ एन इनिंग्स हैज़ बीन प्लेड, सिंगुलर हैज़ आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब हैज़ होगा। और अगर मैं कहूँ बोथ इनिंग्स हैव बीन प्लेड, तो यहाँ पर बोथ इनिंग्स प्लूरल फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हैज़ की जगह पर हैव यूज़ किया गया, ठीक है। चलो लिख देता हूं, एन इनिंग्स हैज बीन प्लेड, ठीक है। और वहीं पर अगर एन की जगह पर मैं लिखूं बोथ का मतलब हुआ दोनों, दोनों, और अगर दोनों की बात है तो जाहिर सी बात है ये दो का मतलब प्लूरल हुआ, इसीलिए आपने यहां पे क्या लिखा? हैव बीन प्लेड। ये एग्जांपल में पहले आया करते थे, हो सकता है अभी भी आए, बस आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए इन दोनों शब्दों में क्या कोई चेंज है? नहीं। जब ये सिंगुलर है तो भी ऐसे लिखा गया, प्लूरल है तो भी ऐसे लिखा गया, नो चेंज एट ऑल। इनिंग्स के अलावा एक शब्द आता है एंड दैट इज सीरीज। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? सीरीज। सीरीज को भी आप जानते हैं, अगर मैं बोलूं कि लाइक इंडिया प्लेड लाइक 16 सीरीज इन 2019, 2019 में 16 सीरीज खेली है इंडिया ने, या फिर मैं इंडियन क्रिकेट टीम लिख सकता हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम, या फिर हो सकता है मैं इसी जगह पर लिख सकता हूँ लाइक दिस सीरीज इज द लार्जेस्ट, या फिर मैं बोलूँ द बिगेस्ट सीरीज, ये सीरीज है, वो सबसे बड़ी सीरीज है। अब समझिए यहां पर सीरीज दिस एक के लिए आता है और इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है, तो यानी कि ये कैसा फंक्शन कर रहा है? सिंगुलर। लेकिन सीरीज वो का वो है, क्या हमने एस हटाया या एस जोड़ा? नहीं। देखिए इंडिया प्लेड 16 सीरीज की बात हो रही है, इसके हिसाब से होना क्या चाहिए था सीरीज का? भाई या तो प्लूरल बनाओ, ठीक है, प्लूरल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? रीज़न आप सब लोगों को पता है भाई, वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि प्लूरल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो शब्द हैं जो चाहे आप सिंगुलर यूज़ करो चाहे प्लूरल यूज़ करो एक जैसे रहने हैं। तो यहाँ तक की बात आई होप क्लियर है, और बहुत सारे नए शब्द आपको मिले हैं। वीडियो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने अभी आने वाला है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, ये जो चीज़ें सीखी आपने किससे रिलेटेड थी? नाउन के फंक्शन से रिलेटेड थी कि आप उसे किस तरह से सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल। हमने हर तरह के शब्द देखे और आज वो भी देख लिए जिनमें एक ही जैसे शब्द, यानी कि चाहे सिंगुलर यूज़ करो चाहे प्लूरल। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि क्योंकि कुछ बच्चे लेट जुड़े हैं तो उनको भी पता रहे किस बारे में बात चल रही है, समझाया क्या जा रहा है। ये सारे वो शब्द थे जो सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा रूप रखते हैं, ना SAIS जुड़ता है नया, ना SAIS लगा हुआ है तो घटता है, ठीक है। अब बारी आती है एक और बेहतरीन कंसेप्ट की। इस कंसेप्ट के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और आप इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सेंटेंस, ओके, आंसर करते रहें बस आप अपना, ठीक है, फिर इन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए एक बार इन चार सेंटेंसेस को समझते हैं, ठीक है? और इतनी देर तक साइलेंस बनी रही, अब अपने अपने आंसर दे दीजिए एक बार, ठीक है? वीडियो के साथ साथ अब अपने अगर आंसर देते रहेंगे इट विल बी बेटर। पहला सेंटेंस, द एमडी ऑफ दिस कंपनी हैज रीच्ड हियर, क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, क्या लग रहा है सेंटेंस में? नो एरर। अगला सेंटेंस, सन्स ऑफ द प्रिंसिपल इज मेकिंग मिस्टेक्स, एरर बताइए। थर्ड सेंटेंस, हाउस ऑफ मेनी माई नेबर्स, हाउस ऑफ माई नेबर्स वर बिल्ट लास्ट ईयर, क्या सेंटेंस ठीक है? फिर चार नंबर पे, टीचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास, क्या ये सेंटेंस ठीक है? अपने अपने आंसर बताइए। अब मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। नाउन की इस कैटेगरी को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस। क्या होता है दोस्तों? नियरनेस। नियरनेस का मतलब कोई चीज़ पास में होना, कोई चीज़ पास में देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि किया क्या जाए, कौन सा चीज़ ठीक होगा, शायद ऐसा ही होगा। देखो बच्चे गलती ये करते हैं, ये देखिए उन्होंने वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के हिसाब से यूज़ हुई है, तो यकीनन इसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए वो वर्ब से पहले लिखा हुआ देखते हैं, लिखा क्या है? सिंगुलर। तो चलो जी, वो बच्चे क्या करते हैं, इसको सही मार्क कर देते हैं। ऐसा ही तो किया जाता है, ठीक है? अब लिखा हुआ है एक और सेंटेंस, इसमें सन्स, फिर द प्रिंसिपल इज, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में एमडी, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर, चलो वर्ब आपने सिंगुलर लगाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस में सन्स, ये तो प्लूरल है, और ये लिखा हुआ द प्रिंसिपल, ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर। अब इसके हिसाब से यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब यूज करोगे या प्लूरल के लिए प्लूरल यूज करोगे? है कन्फ्यूजन? चलो नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर जिन्हें नहीं पता वो समझने की कोशिश करें। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन मतलब एक नंबर का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, जो भी आपका सब्जेक्ट टू है, चलो उसको दोबारा लिखते हैं, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, अगर ये दोनों चीज, दोनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं किससे? प्रीपोजिशन से। किससे जुड़े हुए दोस्तों? प्रीपोजिशन से। अगर ये प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें, आने वाली जो भी वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा आपके सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी। ग्रामर का नियम कहता है जब प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हों और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, तो पहले वाला जो नाउन है, जो पहले आया हुआ नाउन है, उसके हिसाब से आप सेंटेंस में आगे वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ तक की बात, तो इस हिसाब से देखते हैं ये रहा आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट वन एम डी सिंगुलर है तो वर्ब अपने आप में ठीक हुई, ठीक है? अब आ जाओ अगले सेंटेंस में। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है सन्स ऑफ प्रिंस ऑफ द प्रिंसिपल, ये ऑफ अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन से पहले ये है आपका सब्जेक्ट कौन सा? वन, और ये कौन सा है? सब्जेक्ट टू। अब मुझे बताओ ये वर्ब किसके हिसाब से आएगी? अभी अभी हमने सीखा सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन क्या लिखा हुआ है? सन्स, यानी कि प्लूरल है, तो इसीलिए इस को हटाया जाए, क्या लगाया जाए? आर। अगला सेंटेंस, हाउस ऑफ माई नेबर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए प्रेपोजिशन, ये रही आपकी वर्ब, वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वन, ये सब्जेक्ट टू, क्या ये दोनों के दोनों प्रेपोजिशन से जुड़े हैं? अगर ये प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, अगर ये प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना हुआ यहाँ पर? वर्ब। अब वन कहता है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर नहीं, ज़रूरत किसकी हुई आपको? वॉज की, ठीक है दोस्तों? यहाँ तक का लास्ट सेंटेंस देखिए, बड़ी आसानी से कर भी लिया है आप लोगों ने। टीचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स नो डाउट क्या है? प्लूरल है, लेकिन ये रहा क्या? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले एक और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, और ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, ठीक है? लेकिन सब्जेक्ट वन, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट टू। अब दोनों के दोनों अगर प्रेपोजिशन से जुड़े हैं तो फर्स्ट के हिसाब से आपको यूज करनी हुई वर्ब, यहां पर आर ना यूज करके किसकी जरूरत पड़ी? इज। रीजन, टीचर कैसा है? सिंगुलर, ठीक है दोस्तों? तो एक कंसेप्ट आपको ये क्लियर हुआ। अब देखो एक और बेहतरीन चीज जो आपको अभी सीखनी है, ये रूल, खैर
आप सब बच्चे शायद सीख चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं सीखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा है। आपने प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात सीखी, जब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आपस में प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हों, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेपोजिशंस से जुड़े हुए हों, तो आने वाली वर्ब हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। अब देखो कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए। अगर मैं लिखूं डोर आफ्टर डोर्स वर नॉक्ड, कुछ लोगों के आंसर ठीक हो रहे हैं। एक और सेंटेंस लिखूं अगर मैं सिटीज आफ्टर सिटीज वर डिवास्टेटेड, एक और सेंटेंस लिखता हूं वर्ड्स टू वर्ड वर ट्रांसलेटेड, वर्ड्स टू वर्ड वर्ड ट्रांसलेटेड, या फिर वर्ड्स टू वर्ड्स कर दो, ठीक है। ओके और लिखते हैं, अगर मैं लिखूं पेजेस पेज आफ्टर पेज वर रेड, देखो ये होता तो रीड ही है, लेकिन जब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म आप जब बोलते हो तो प्रोनंसिएशन रीड के बजाय रेड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेड। ओके तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, समझने की कोशिश करें। अब इसमें हम कंसेप्ट ढूंढते हैं, भाई आफ्टर भी तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, टू भी तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, आफ्टर आफ्टर टू ये या कोई भी प्रेपोजिशन हो सकती थी। अगर मैं लिखूं बॉयज ओवर गर्ल्स ये अलग चीज़ हो जाती, इसमें दूसरा कंसेप्ट काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये लिखा प्रेपोजिशन, ये लिखा एक और नाउन, एक तरफ ये नाउन, ये अपने आप में कैसा है? सिंगुलर है। ये अपने आप में कैसा है? प्लूरल है। दोस्तों ने आंसर कर लिया होगा, सिंगुलर के हिसाब से वर हटाकर क्या किया है? वॉज, यही किया है। अरे भाई एक और चीज़ अब कंसेप्ट समझिए, अगर किसी भी प्रेपोजिशन से पहले आपको नज़र आता है क्या? नाउन, ठीक है भाई, उसमें भी तो नाउन ही तो सब्जेक्ट बना है। ओके लेकिन अगर प्रेपोजिशन के बाद भी आपको सेम नाउन से मतलब जो नाउन इस तरफ है, प्रेपोजिशन के दूसरी तरफ भी वही नाउन, दोनों तरफ एक जैसा नाउन हो, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये कहता है ये नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और ये नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। दोनों के दोनों नाउन अगर सेम हैं, अगर आपने प्रेपोजिशन से पहले बुक बोली और प्रेपोजिशन के बाद भी बुक आ रही है, तो दोनों तरफ बुक ही होगा, सिंगुलर, ठीक है। यानी कि अब मुझे बताओ, अगर इस हिसाब से तो आपने पहला करेक्शन क्या करना चाहा? सिटीज का क्या किया? सिटी। और यहाँ पर भी क्या किया? सिटी। वर्ड्स का क्या किया आपने? वर्ड, और ये भी वर्ड। पेजेस का क्या किया? पेज, और यहाँ पर भी पेज। तो दोनों तरफ सिंगुलर किया। अब ये करने के बाद में आसान है आपके लिए क्या? वही कंसेप्ट, छोटी सी बात कि अगर प्रेपोजिशन जब भी आती है तो फर्स्ट के हिसाब से ही, और फर्स्ट आपका सिंगुलर है, तो आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। तो फ्रेंड्स क्या ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं आपके लिए? तो आज हमारा नाउन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कुछ बची खुची चीज़ें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अपने जो क्वेश्चन सेट आएगा आप लोगों के लिए, क्वेश्चन का सेट होगा जिसको हम लाइक जल्दी ही आप लोगों के साथ लेके आएंगे। हो सकता है उसका टाइम चेंज किया जाए, या फिर जिस टाइम पे अभी आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे भी आपको ये क्लास दी जाए क्वेश्चंस के लिए। दो क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करें, उससे पता चलता है अब तक आपने सीखा कितना है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आई अश्योर यू बहुत ही नए लेवल के होंगे, नई किस्म के होंगे, ठीक है। तो चैप्टर इज़ ओवर, नए चैप्टर के साथ दोबारा मिलेंगे। बीच में एक वो क्लास आनी है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे गाइज, टेक केयर।